संपत्ति को धर करके बैठते हैं। दे सीज रेस्पेक्ट स्टेटस वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हमारा अधिकार है। सेइंग वी हैव अ राइट ओवर इट। तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की? हाउ डेयर यू डू दिस? ये हमारी और हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। दिस इज माई एंड माई फादर्स प्रॉपर्टी। ऐसे समझ करके चलते हैं। That's what they think. तो है धृतराष्ट्र की औलाद। They are the progeny of धृतराष्ट्र। धृत माना जबरियन धारण कर लिए दूसरों की धन संपत्ति, राज्य संपत्ति। धृत means he has forcibly seized the wealth, property and kingdom of others. ऐसे धृतराष्ट्र। He is such धृतराष्ट्र। पांडव बैगर बनकर के रहते हैं। पांडवास लिव एज बैगर्स। अच्छा ये तुम्हारी धन संपत्ति है, तुम्हारा राज्य है, सुई की नोक के बराबर भी हमको नहीं दे सकते। अच्छा तुम्हारा ही सही। सेइंग अच्छा इफ दिस इज योर वेल्थ प्रॉपर्टी एंड किंगडम If you can't even give us a place equal to the tip of a needle, achha, let it be yours. हमको भगवान चाहिए, सो भगवान मिल गया। We wanted God, so we have found him. दुर्योधन को क्या चाहिए? What did Duryodhan want? भगवान का धन, पद, मान, मर्तबा, राज्य, अधिकारी सब चाहिए। He wanted God's wealth, possession, respect, status, kingdom, royal officers and all. उनको एक जन्म के लिए वो मिल गया। He got that for one birth. कोई ज्ञान सरोवर के इंचार्ज बन गए, कोई भारत के इंचार्ज बन गए, कोई विदेश के इंचार्ज बन गए, कोई जर्नल इंचार्ज बन गए, कोई बड़े बड़े सेंटर के इंचार्ज बन गए। Someone became the in charge of Gyan Sarovar. Someone became the in charge of Bharat. Someone became the in charge of foreign countries. Some became zonal in charges and some became the in charges of very big centers. बड़ा बड़ा पद, मान, मर्तबा ले लिए। They took a big position, respect and status. ये अल्पकाल का मर्तबा है, विनाशी मर्तबा है या सदाकाल का मर्तबा है? इज दिस मोमेंटरी पेरिशेबल स्टेटस और इज इट एवर लास्टिंग स्टेटस? विनाशी मर्तबा है। इट इज पेरिशेबल स्टेटस। जो पंडा बाप के बच्चे, उन्होंने कोई मर्तबा स्वीकार नहीं किया। दोज हु आर द चिल्ड्रन ऑफ पंडा द फादर डिडंट एक्सेप्ट एनी स्टेटस। अच्छा लेते हो तो ले लो, अपना तो तुम्हारा है ही, लेकिन हमारा भी लेना चाहते हो तो ले लो। धन, पद, मान, मर्तबा, पत्नी, बीवी, बाल बच्चे सब कुछ ले लो। अच्छा टेक इट इफ यू हैव टू। यू ऑलरेडी हैव योर ओन, बट इफ यू वांट टू टेक आवर्स एज वेल यू मे टेक इट। Wealth, position, respect, status, wife, children, take everything. खुद बैगर होकर के ढूल रहे। They themselves are wandering as beggars. एडवांस में आ जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हमको इतना बड़ा सेंटर मिला हुआ है, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए। If someone comes in the advance party, his wife says, I am certainly a Brahma Kumari. I have got such a big center. I don't want your God. बच्चियां दो चार सरेंडर हैं। 2 to 4 of his daughters are surrendered. वो कहती है कि हमको तो दीदी दादियां बहुत प्यार करती है, हमको तो कहती है कल तुमको भी सेंटर इंचार्ज बना देंगे। They say, the didis and dadis love us so much. They assure us that they will make us into center in charges in future. तुम्हारा भगवान आया होगा, तुम अपनी गोद में रखो।
इफ योर गॉड हैज कम कीप हिम इन योर लैप। हमें तुम्हारा पापूजी, बापूजी हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए, और तुम अभी हमारे बापूजी हो नहीं। बापूजी वी डोंट वांट योर गॉड एंड यू आरंट अवर बापूजी एनीमोर। हमारी दीदी दादी दादाएं वही हमारे बापूजी। द दीदी दादीज एंड दादास देमसेल्व्स आर अवर बापूजी। वो हमारे सब कुछ है। दे आर एवरीथिंग फॉर अस। बापूजी बेचारे नाक लटका करके लौट जाते। पुअर बापूजी रिटर्न्स डिजेक्टेड। तो अंधे की औलाद अंधों को सो जरा दिखाई नहीं पड़ता। सो द ब्लाइंड प्रोजनी ऑफ द ब्लाइंड वंस कांट सी ब्राइटनेस। और तुम हो सो जरे की औलाद सो जरे। एंड यू हैव एन आई साइट द प्रोजनी ऑफ द वन विद एन आई साइट।